वेलकम बैक टू अन अकेडमी क्लैट. आई एम पूर्वा चौधरी एंड आज की वीडियो में वील बी लर्निंग एवरीथिंग अबाउट आर एलेट 2024 एग्जाम, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए कंडक्ट करवाया जाता है. तो जी हाँ, डेट्स आ चुकी हैं, लेट्स डिस्कस द नोटिस और फिर हम एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न पे चलेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या बोल रही है, द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली विल कंडक्ट द ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2024 फॉर एडमिशन टू 5-year BA/LLB ऑनर्स, LLM एंड PhD प्रोग्राम फॉर द अकेडमिक ईयर 2024-25. जब आपका एडमिशन होगा तो वो 2024 में होगा, हाउएवर जो एग्जाम होगा वो 2023 में होगा. तो आपका एग्जाम है December 10th, 2023 संडे को. मार्क द कैलेंडर December 10th, 2023 संडे. एंड टाइमिंग क्या रहेगी आपका, 11 AM to 12:30 PM, राइट. सो आपका 1.5 hour का ये एग्जाम है, 11 AM to 12:30 PM. फटाफट से जो भी एस्पिरेंट्स है अपने नोटिस बोर्ड पे, अपने स्टडी टेबल पे ये डेट लगा लीजिए, राइट. एट ऑल इंडिया लेवल, एक पैन लेवल पे होगा, राइट. द एडमिशन नोटिस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स. अच्छा जी मैम, हमें रजिस्टर कब करना है, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, जैसे ही आएंगे आपको बता दिए जाएंगे कब से आपको और क्या हमें डेट दी है कि कब से एप्लीकेशन फॉर्म है जो शुरू हो जाएगा, दैट इज August 7, 2023. सो यहाँ पे अगेन मार्क कर लेना है या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाए, राइट. August 7, 2023 से आपका एडमिशन नोटिस और एप्लीकेशन फॉर्म्स लेने लगेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के इस वेबसाइट पे. क्लियर है, परफेक्ट. अब चलते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एग्जाम पैटर्न है. सो आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन स्टूडेंट्स एलेट एग्जाम दे सकते हैं. चलिए, सो सारे ही कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट्स अदर देन जो फॉरेन नेशनल्स कैटेगरी में से आते हैं, शुड अपियर फॉर द ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट. तो सबसे पहली चीज तो है, आपको NLU दिल्ली में जाना है तो आपको एलेट एग्जाम देना होगा ऑब्वियसली, राइट. चलिए उसके बाद देखते हैं, एंड सेलेक्शन शैल बी सोल्ली ऑन दैट बेसिस जो आपका एग्जाम में स्कोर आएगा, राइट. एंड फॉरेन नेशनल एंड OCI PIO कैंडिडेट्स के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑन द सेम पोर्टल, राइट. अभी हम जनरल आप सबकी बात कर रहे हैं. कैंडिडेट हैव पास द हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि 12th पास करी हुई है, और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन देयर टू सिक्योरिंग इन द एग्रीगेट. कितने नंबर चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए, नॉट लेस देन 45% ऑफ द टोटल मार्क्स. SC ST persons with disability में 40% है. तो क्या है क्लास 12th में 45% मार्क्स एंड फॉर SC ST 40%. क्लियर है, बेयर मिनिमम है. आगे चलते हैं, कैंडिडेट्स अपियरिंग अवेटिंग रिजल्ट्स फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. भैया जिनका अभी क्लास 12th का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि दिसंबर में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 12th में होंगे, उन्होंने बोर्ड्स नहीं दिए होंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अपियर इन द एंट्रेंस टेस्ट. हाउएवर जब उनका रिजल्ट आ जाएगा है ना, तो क्रॉस चेक करेंगे वो कि आप एलिजिबल हैं या नहीं. तो लिखा है, हाउएवर द एलिजिबिलिटी बाय सच कैंडिडेट्स शैल हैव टू बी ऑब्टेन्ड बाय द कट ऑफ डेट, राइट. जब तक कट ऑफ नहीं निकल जाती उससे पहले एलिजिबिलिटी आपको कर लेनी है, विच विल बी नोटिफाइड अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट. एंड इन केस सच कैंडिडेट इज प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन द ईयर, तो इनएलिजिबल हो जाएगा. यानी कि आपने एलेट एग्जाम दिया, राइट, एंड आपकी कट ऑफ आने से पहले 12th का रिजल्ट आ जाता है, पास हो गए, ऑल वेल एंड गुड. अगर कंपार्टमेंट आई तो आपका एलेट में चाहे कुछ स्कोर हो, कोई रैंक हो, आपको इनएलिजिबल है, आप एडमिशन नहीं ले सकते. क्लियर है. सो फॉर ongoing क्लास 12th स्टूडेंट्स भी यही क्राइटेरिया है, फाइन. हाउएवर यू आर एलिजिबल, जिनका बैच है आपका 2023-24 वाला बोर्ड्स का, राइट. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अच्छा जी, अब फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स की बात करते हैं. कोई ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है आपको, राइट. और बाकी क्या एलिजिबिलिटी, आपको भी इक्विवेलेंट बोर्ड से 45% आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, राइट. अच्छा जी, अब OCI और PIO क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और persons ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट. उनके लिए क्या ऑप्शन है, या तो आप फॉरेन नेशनल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करो या फिर कैटेगरी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स के अंडर अप्लाई करो. यानी कि आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने इंडियन नेशनल अप्लाई किया आपको एलेट देना होगा, अगर आपने फॉरेन नेशनल के अंडर किया है तो नहीं देना होगा, राइट.
क्लियर है? सो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। एंट्रेंस टेस्ट की स्कीम पे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या एग्जाम पैटर्न है? चलिए, सो ये हमारा एलेक 2023 के बारे में है, उसी पे फॉलो होगा राइट 2024 का। सो तीन सेक्शंस आते हैं, 150 एमसीक्यूज आते हैं एंड टोटल मार्क्स 150, यानी कि आपका फॉर एवरी करेक्ट आंसर प्लस वन मिलेगा आपको, ठीक है? सो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 150। सो टोटल मार्क्स कितने हुए, 150। क्लियर है? परफेक्ट, सिंपल मैथ है। तीन सेक्शंस क्या हैं, ध्यान दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे, बता दिया है। फिर है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज जिसमें से 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स होंगे। फिर है लॉजिकल रीजनिंग, सबसे ज्यादा 70 क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? हमें तीनों चीजें समझ आ गई हैं कि भैया हमारा एलेक्ट तीन सेक्शंस में है, इंग्लिश, लॉजिकल एंड करंट अफेयर्स एंड जीके। क्लियर है? चलिए जी, अच्छा मैम लीगल कहाँ गया? लीगल को लॉजिकल के साथ थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। लीगल प्रिंसिपल्स मे बी यूज्ड इन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन टू टेस्ट लॉजिकल एप्टीट्यूड, बट द एग्जामिनेशन विल नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लीगल नॉलेज और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। हाउएवर ये क्लैट में भी लिखा जाता है, लेकिन पढ़ के थोड़ी तैयारी करके तो हमें जाना ही होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, राइट? सो प्लस वन है फॉर एवरी करेक्ट आंसर, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 डिडक्ट होगा, यानी कि जब आपके चार क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो वन मार्क माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अगेन सिंपल मैथ। चलिए, अच्छा जी, इफ टू और मोर कैंडिडेट्स गेट द सेम मार्क्स इन एलेट, तो किसका भैया चूज होगा, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं लॉजिकल रीजनिंग में, तो लॉजिकल वाला सेक्शन उठा के कंपेयर करेंगे इसमें किसके ज्यादा मार्क्स आए हैं, राइट? चलिए जी, इफ द मेरिट इज स्टिल द सेम, दोनों के लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम आए हैं, तो किसको देखेंगे, द कैंडिडेट सीनियर इन एज शैल गेट प्रेफरेंस, जो जिसकी ज्यादा एज होगी, जो ज्यादा बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है? सिंपली इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड बोला है अगर एज भी सेम निकली तो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा, तो लक पे डिपेंड करता है। क्लियर है? दिस इज योर एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम पैटर्न, राइट? अच्छा जी, अब हम इसको इनडेप्थ कैसे समझ सकते हैं, बाय एनालाइजिंग द एलेक 2023 पास्ट ईयर पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, राइट? इसको भी हम एनालाइज करेंगे। अगर आप चाहते हैं हम फुल एनालिसिस की वीडियो बनाए तो फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है कि आप कैसे तैयारी करेंगे क्लैट जैसे लॉ एंट्रेंस टेस्ट्स की, तो अनअकैडमी के ऑफर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं इस टाइम एंड बहुत पॉकेट फ्रेंडली हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। प्राइस ड्रॉप हो चुका है, महा सेविंग्स जस्ट गॉट एक्सटेंडेड, आपको 50% प्लस वन मंथ फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। आपको कोड लगाना है पूर्वा POORVA 2022, राइट? ये कोड आप लगाएंगे तो आपको ये ऑफर अवेल हो जाएगा। सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टॉकिंग अबाउट द प्राइस विच आई वॉज मैंशनिंग, 6 months प्लस 1 month एक्सटेंशन का है 28,000 रुपीज, 12 months का है 40,000 रुपीज, राइट? अगर आप बाहर ऑफलाइन कोचिंग्स ट्राई करेंगे तो बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू दीज, राइट? एंड अगर हम बात करें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो यहीं पे 7 months का 41,600 हो जाता है, 12 months का 54,000, राइट? यू कैन अवेल माई कोड पूर्वा 2022 टू अनलॉक द सेम। सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देन ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट इज हियर, आपको अपनी क्लैट प्रेपरेशन की भी स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपके मॉक टेस्ट दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जून 4th को है 2 PM ये मॉक टेस्ट, एंड अगर आपका काफी अच्छा स्कोर आता है यू कैन विन फ्री स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज 1.25 crore, सो डेफिनेटली एनरोल फॉर द सेम, मौका मिस क्यों करें। साथ ही साथ क्लैट के प्रिंटेड मॉक टेस्ट पहुंच सकते हैं आपके घर पे, सो स्टार्ट योर क्लैट प्रेपरेशन विद अनअकैडमी, 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज एंड 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसा आपका पेपर आएगा, डिलीवर्ड राइट टू योर डोरस्टेप। ये है आपका ऑल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड 9 months एंड अबव प्लस सब्सक्रिप्शन पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सो सारी ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।
देन अगर मैं टेस्ट सीरीज के कैलेंडर की बात करूँ, यहाँ पे आपको सारे ही जो टेस्ट हैं मोस्टली इसमें फ्री हैं, आप देख सकते हैं क्लैट का है, DULLB का है, राइट, अगेन क्लैट का है, ये पूरा आपका मे का लिस्ट है, राइट, एंड जून की तो हम बात कर ही चुके हैं। ये है हमारा ऑनगोइंग लेवल अप बैच फॉर ऑल दी क्लैट एलेट MHSET, LSAT, SLAT 2024 aspirants के लिए, right? सारी links description में है, यहाँ पे आपको 400 plus teaching hours मिलेंगे, 100 hours of revision and practice मिलेंगे, monthly compendium and notes मिलेगा, right? ये live mock test भी होंगे साथ में 35 and live doubt solving होगी with our top educators. Talking about the warriors batch जो May में ही recently शुरू हुआ है फॉर ऑल दी क्लैट 2024 aspirants, राइट, ये सारे ही आपको बेनिफिट्स यहाँ पे भी मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो CUET, PG, DU, LLB के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपका जो क्रैश कोर्स है वो भी अवेलेबल है Unacademy पे, सारी ही डिटेल्स आपको लिंक्स में मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑल द बेस्ट, परफेक्ट एवरीवन। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली, राइट, रिगार्डिंग योर एलेट 2024। ऑल द बेस्ट, यू आर एट Unacademy क्लैट, लेट्स क्रैक इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।